नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, ऐसे में बिहार सरकार प्रदेश में शराब में बंदी को लेकर लगातार काम कर रही है, यानी कि उसको लेकर सतर्कता बरत रही ताकि लोगों के पास शराब ना पहुंच सके और यह कानून जो है सफल हो सके। लगातार नई नई तकनीक से शराब तस्करों को पकड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम 2022 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है, यानी कि उसके तहत जो आने वाले कानून है उसमें जो है संशोधन किया गया है। बता दें कि शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रारूप विधानमंडल के दोनों सत्रों में पारित किया जा चुका है। अब शराबबंदी कानून में जो नया संशोधन हुआ है उसके अनुसार शराब पीने वाले लोग को जमानत के लिए कोर्ट नहीं जाना होगा। अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आर्थिक दंड लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो शराबबंदी कानून संशोधन प्रारूप में यह भी कहा गया है कि बंदी के बावजूद शराब की बिक्री संगठित अपराध की श्रेणी में आएगी। इस प्रकार के धंधेबाज और तस्करों की संपत्ति जब्त करने की अनुशंसा का भी प्रस्ताव जो है इसमें रखा गया है। अगर इसी तरह कोई भी पदार्थ जिसे शराब में बदला जा सके उसे मादक द्रव्य की श्रेणी में लाया जाएगा। पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ दिए जाने के प्रावधान में जो है संशोधन कानून में लाया गया है। शराब तस्करों और बड़े धंधेबाजों पर पहले की तरह कोर्ट में ही मामला चलेगा। शराबबंदी कानून में यह बदलाव किया गया, उसको हम एक एक कर नीचे समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ से आर्थिक दंड देकर उसे जमानत दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाए तो उसको शराब बेचने वाले दुकानदार या नाम बताने पर मामूली फाइन के साथ जमानत दे दी जा सकती है। शराब से जुड़े मामले में अगर कोई वाहन पकड़ा जाता है तो उसे लैब रिपोर्ट करवाने के बाद वीडियोग्राफी करवाकर उसकी नीलामी की जाएगी। इससे पहले शराब के कारोबार में उपयोग करता हुआ वाहन पकड़ा जाता था तो उसे राजसात करना पड़ता था, जिसमें कि काफ़ी समय लगता था, जिसके कारण काफ़ी समय उसमें जो है खर्च होता था सरकार का। लेकिन अब जो है नए कानून के बाद से उस गाड़ी की जो है आसानी से नीलामी कराई जा सकती है। नए संशोधन में यह भी कहा गया है कि किसी वैसे वाहन जो कि पहली बार शराब में पकड़ा जाता है या फिर उसके कारोबार नहीं किया हो, यानी कि कोई भी ऐसी गाड़ी जो कि पब्लिक गाड़ी है, आपकी अपनी गाड़ी है, उसमें अगर शराब मिलता है तो उसको लेकर भी इस संशोधन में काम किया गया है, तो उसके वाहन मालिक से एक निश्चित राशि जुर्माना के रूप में लिया जाएगा। उदाहरण के रूप में अगर किसी वाहन से एक या दो बोतल शराब पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। इस संशोधन में वाहनों को लेकर यह भी कहा गया है कि शराब की बिक्री और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाया गया है। बता दें कि अगर शराब के कारोबार में कोई पकड़ा जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त करने की अनुशंसा भी प्रस्ताव में की गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसा पदार्थ जिसे शराब में बदला जा सकता है वह भी शराब की श्रेणी में मान्य होगा। तो ऐसे में शराबबंदी कानून बिहार में लागू है। इससे पहले जो मामले थे उसमें सीधा जेल की सजा थी या फिर जो है कुछ जुर्माने के साथ उसे छोड़ने की बात जो है अब जो है कही गई है। तो ऐसे में अब देखना है कि जो शराबबंदी कानून लागू हुआ है उसके बाद उसमें जो संशोधन किए गए हैं उससे जो है आम जनता को कितना राहत मिल पाता है, क्योंकि शराबबंदी कानून लागू करने के बाद कोर्ट में जो है मामले बढ़ गए थे, कोर्ट पे लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में कई तरह की खबरें जो है मीडिया में चली, अब जो है उसमें संशोधन की बात कही गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।